डीसी की नई मूवी शज़ाम थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जहां पे एक टाइम में मार्वल और डीसी कम्पीट करते थे आपस में एज अ ड्यूअल। लेकिन अभी देखोगे तो मार्वल अकेला सोलो दौड़ रहा है, क्योंकि डीसी ने अपने मूवीज को समय पे रिलीज नहीं किए और अपने डायरेक्टर्स को बाहर भी फेंक दिया निकाल के। आप लोगों को पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मेरे को ऐसा लगता है मैं डीसी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी कामयाबी और डीसी के मूवीज बस डिले होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं साल दर साल और लोगों को सिर्फ झांसा देते हैं हम लोग। तो इसी बात पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को मेरी कामयाबी जल्दी से जल्दी मिले। बूस्ट इज द फॉर्म ज्यादा ही बकर कर दिया, ताकि मेरे को मेरी कामयाबी जल्दी से जल्दी मिल सके। अब बात करते हैं शज़ाम मूवी की। तो इसका पार्ट वन मैं देखा नहीं था, क्यों? क्योंकि फिर से डीसी डिसअपॉइंट्स। डीसी अपनी ऐसी फिल्में बनाता है जैसी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आती, जो पसंद आती है उसके हीरोज को बाहर निकाल देता है। तो वो शज़ाम क्यों नहीं पता, मैंने फर्स्ट पार्ट देखी नहीं थी क्योंकि मुझे देखने का मन नहीं किया था। ये वो बोलते हैं ना एंटमैन कैटेगरी वाला मूवी था मेरे नज़र में। जैसे मार्वल में एंटमैन का फर्स्ट पार्ट का जो रोल था, वैसे डीसी यूनिवर्स में शज़ाम का रोल है। तो पार्ट वन मैं देखा नहीं था, लेकिन मूवी सेकंड पार्ट समझ में आने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट देख के गया था घर से कि नहीं भाई चलो देख लेते हैं ताकि सेकंड पार्ट अपने को समझ में। और सेकंड पार्ट देखा और सच में ये फिल्म बच्चों के लिए है। नॉर्मली मार्वल बच्चों के लिए मूवी बनाता है जिसमें बच्चों को खुश किया जाता है, यहाँ पे डीसी कर रहा है वो काम, क्योंकि डीसी भी जान गया कि अपन पूरा आर रेटेड मूवीज बना रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसी मूवीज बनाए जो बच्चे खुश हो जाए देख के। और मैं बताऊं मूवी उतनी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं छोटे छोटे चीजों पे मूवी के। मूवी की स्टोरी की अगर बात की जाए तो लास्ट स्टोरी में जैसे दिखाया गया था कि शज़ाम अपने पावर्स को बांट देता है, जैसे कि जानो मानो चना मुर्रा है अपने सारे भाइयों को कि लंगर में ले लो जिसको चाहिए, तो वैसे बांट चुका है। और अब वापस से वो जो पावर का मेन सोर्स था जिससे चुरा के वो विजार्ड लेके आया था शज़ाम, वो लोग वापस लेने आ गए हैं। उनकी बेटियां हैं तीन जन वुमेन एम्पावरमेंट, वो लोग आ चुके हैं लेने के लिए धरती पे उसके पावर्स, और उनके बीच में एक लड़ाई होता है और बाकी सारी चीजें वही टिपिकल सुपर हीरो मूवी की तरह है। कुछ एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं करते हैं ये लोग, जो मेरे को अच्छा लगता था कि पहले डीसी करता था। डीसी की मूवीज पहले कुछ अलग देती थी, डार्क वाइब देती थी। मेरे से ये मूवी देखने से पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती जो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ आप लोग भी दोबारा मत दोहराना, वो था ये मूवी को मैं हिंदी डब पे देख लिया। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, नहीं देखना था मेरे को। अब मेरे को वापस से वो बोला कि वापस इंग्लिश में देख ले करके करण, बट मेरा मन नहीं किया, क्यों? क्योंकि मूवी उतनी कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे कि मैं उसको दोबारा देखूं इंग्लिश में। लेकिन भाई हिंदी डब में कुछ क्रिंजी चीज़ें थी जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को भी लगेगा कि ये कैसे कैसे बातें कर रहा है अजीब टाइप का। मूवी हिंदी डब बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे को तो नहीं लगी अच्छी। पिक्चर की CGI ठीक ठाक है, पिछले बार से बार थोड़ा ज्यादा हाई है। पिछले बार शज़ाम उतना ज्यादा बड़ा हीरो नहीं था, इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। और इसमें इस बार कैमियो भी है एक कैरेक्टर का जिसको हम लोग सब पसंद करते हैं, और पता है कि शज़ाम को देखने के लिए लोग आए ना है, उस महिला को देखने के लिए जरूर आएंगे लोग। लेकिन क्या मतलब वो महिला आएगी बोल के सरप्राइज भी नहीं था, पहले ही बता दिए ये लोग कि वो महिला आने वाली है, और मैं वो महिला को देख के बहुत खुश हुआ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पिक्चर में कुछ ड्रैगन के एक्शन सीन है जिसपे वो फायर ब्रीथ कर रहा है लेकिन ब्लू कलर का, मतलब अब रेड कलर का कूल नहीं लग रहा लोगों को, तो लोग ब्लू कलर का आग फेंकवा रहे बाहर, नहीं पता क्यों। और इसको देख के मेरे को 2 मिनट के लिए आदि पुरुष का याद आया था। क्या बोला तूने? मानता हूँ तुम लोग हेट दोगे कि आदि पुरुष का VFX इससे बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं, मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगा आदि पुरुष से। तो ऐसे बहुत सारे कूल सीन्स है जहाँ जहाँ पे हीरो अपने आपको ऐसे रिमाइंड कर रहा है कि ब्रो लाइक मैं सुपर हीरो हूँ, क्योंकि शज़ाम सुन के किसी को सुपर हीरो वाइब आता नहीं है, तो लोगों को बिलीव कराना जरूरी है क्योंकि उसका कैरेक्टर ही थोड़ा सा ना बच्चा वाला है, क्योंकि वो है भी कुछ 17-18 साल का ही लड़का, तो वो गलतियां करता है ऐसी लाइक बोलते हैं ना बच्चों वाली। ठीक है, उसकी भी क्रश है वो महिला जो मेरी है। और इसी बात पे चैनल को फिर से लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करो, और मेरे हिसाब से बोलूं तो डीसी के फैन हो तो देख लो मूवी को, क्यों? क्योंकि ये कुछ आखिरी यादें हैं डीसी की जो तुम समेट के रख सकते हो। इसके बाद फ्लैश आएगा और सारी कहानी रिबूट हो जाएगी और तुमको कुछ याद नहीं रहेगा पहले का, और फिर कुछ नए किरदार आएंगे जो लोग आपको फिर से वापस अपनी दुनिया में ले जाएंगे, जब तक कि वो कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं हो जाते और डीसी तुमको फिर से चूतिया नहीं बना देता। तो ठीक है, चलो रखते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय भी बोलना है क्या? मार्वल अपनी फिल्म में बकाबक निकाले पड़ा बोल रहा था मैं। इंग्लिश में वर्ड था ब्रो, मैं कैसे भूल जा रहा हूँ ब्रो, मैं चूतिया हो गया हूँ ब्रो यूट्यूब के कारण। क्या वर्ड था ब्रो उसका? मैं यूट्यूब में आके चूतिया हो गया ब्रो, याद नहीं रहता मेरे को कुछ, क्या नाम था उसका? फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में।